अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मरीख अपना घर तब्दील कर रहा है 17 मई 2022 को। मरीख एक्वेरियस से पाइसिस में आ रहा है और तकरीबन 1.5 महीना ये पाइसिस में रहेगा, यानी 17 मई 2022 से लेकर 27 जून 2022 तक जो मार्स है वो पाइसिस में रहेगा। एस्ट्रोलॉजी में मार्स से छोटे भाइयों को मेडिकल साइंसेस, टेक्निकल इंजीनियरिंग, मिलिट्री साइंसेस, जादू टोना होना, केमिकल तेजाब, मोटरसाइकिल, लोहा, मशीनरी, बैंकिंग सेक्टर, कमर्शियल प्रॉपर्टी, मेडिकल स्टोर, मेडिकल क्लिनिक्स वगैरह, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये एस्ट्रोलॉजी में मार्स से पढ़ी जाती हैं, यानी मरीख से पढ़ी जा रही हैं। तो 17 मई को जो मरीख पाइसिस में आ रहा है और 27 जून 2022 तक ये पाइसिस में रहेगा, ये हर बुरुज की जिंदगियों में कुछ इम्पोर्टेंट तब्दीलियां लाने वाला है। कुछ के लिए ये राज योग बनाने जा रहा है, मतलब उनकी जिंदगियों में पैसे दौलत आने जा रही है, और कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज होंगे, जहनी टेंशन या डिप्रेशन होंगे। अब डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि किन बुरुज के लिए जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है पाइसिस में 17 मई 2022 से लेकर 27 जून 2022 तक, किन बुरुज के लिए पॉजिटिव है और किन बुरुज के लिए ये नेगेटिव है। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। जी, हमारा फर्स्ट ज़ोडियक साइन एरीज। एरीज वालों के लिए जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है वो 12th हाउस में हो रहा है। इस पीरियड के दौरान आपकी एनर्जी, आपका स्टेमिना, काम करने का पैशन ज़रा लो रहेगा। आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत होगी अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, एक्स्ट्रा डेलीकेशन की ज़रूरत होगी। इस टेन्योर में आपको हेडेक का इशू हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जहनी टेंशन या डिप्रेशन हो सकता है। तो इसलिए आपने हर काम में सब रोज़ तहम्मुल से काम लेना है। एंटी डिप्रेसेंट और रिलैक्सेंट बिल्कुल नहीं लेनी है। सदका ज़रूर देना है आपने इस टाइम पीरियड में। कार ड्राइव करते वक्त, मोटरसाइकिल ड्राइव करते वक्त, रोड पर चलते वक्त बिल्कुल एहतियात से काम लें। यह ना हो कि आपको कोई इंजरी हो जाए या कोई एक्सीडेंट वगैरह पॉसिबल है। स्टूडेंट और जो रिसर्चर्स हैं, जो के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और जो के रिसर्च कर रहे हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, उनके लिए अच्छा टाइम है, वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आपके माली मामलात अप्स एंड डाउन का शिकार रहेंगे, एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अखराजात होते हुए नज़र आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स के, डॉक्टर्स के, बिला वजह के अखराजात, जो आपको अपने अखराजात कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं करनी इस टाइम पीरियड में। कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया एग्रीमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टाइम पीरियड नहीं अच्छा। वो लोग जिनके ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ खुफिया रिलेशनशिप हैं, उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होगी, उनके वो डेटिंग पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका जिस्मानी तल्लुक मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारा जी नेक्स्ट ज़ोडियक साइन जो है वो टॉरस है। आप लोगों के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है वो 11th हाउस में हो रहा है। जो मैरिड कपल्स हैं उनका आपस में ज़हनी और जिस्मानी तल्लुक मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपने स्पाउस यानी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की वजह से माली फवायद मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो कि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनका कारोबार एक्सेल करता हुआ नज़र आ रहा है। न्यू पार्टनरशिप, न्यू जॉइंट वेंचर के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है। रिलेशनशिप के लिहाज से भी अच्छा टाइम पीरियड है। वो लोग जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई लेकिन वैसे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, उनको चाहिए कि वो अगर शादी का डिसाइड करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। एक दूसरे के घर प्रपोजल भेजा जा सकता है, अपने घर वालों को मैरिज के लिए तैयार किया जा सकता है। इंशाल्लाह हाँ में जवाब होगा। वो स्टूडेंट जो कि हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, रिसर्चिस पर काम कर रहे हैं, वो अपने स्टडीज़ में, अपनी रिसर्चिस पे अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया बिज़नेस पार्टनरशिप में स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा है। अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर इस पीरियड में कीजिएगा, आपको माली फवायद मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो कि जॉब्स करते हैं उन्हें अपने सीनियर्स की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है, उनको कोई बोनस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, उनके कुलीग भी उनके मामलात में उनको सपोर्ट करेंगे और उनके डिसीजंस की वजह से उनके बॉसेस उनको हो सकता है कोई प्रमोशन भी दे दें। वो लोग जो कि फ्रीलांसर्स हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। जो फ्रीलांसर्स हैं उनको अच्छे प्रोजेक्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और जो शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसीज में काम करते हैं उनको माली फवायद मिलते हुए नज़र आ रहे हैं इस पीरियड में।
जी हमारा लैब जोडियक साइन जो है वो जेमिनी है। जेमिनी वालों के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है वो आप लोगों के 10th हाउस में होगा। इस पीरियड के दौरान आप में एक एनर्जी होगी, एक पैशन होगा अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। आप फुल डेलीगेशन के साथ मेहनत करेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम में कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी की वजह से आपको माली फवायद भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके सोशल सर्कल में, सोसाइटी में आपका नाम होगा, आपको प्राइड मिलेगा, आपको ऑनर मिलती हुई भी नज़र आ रही है। फैमिली मेंबर्स के दरमियान कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपको चाहिए कि किसी के साथ रूडली बात ना करें, पोलाइट रखें अपना बिहेवियर, वरना आपके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वालदैन की बात सुने, वाल्द हो इन इस पीरियड के दौरान आप कुछ इश्यूज ऐसे होंगे जिसमें आपके अपने वालदैन के साथ डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, जिसकी वजह से आपके अपनी वालदा के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। तो आपको चाहिए कि ये ज़रा पीरियड सब लोग तहम्मुल से काम लें। जब ये पीरियड गुजर जाएगा तो आपके वालदा ने आपकी बात मान भी लेंगे और सुन भी लेंगे अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। वो लोग जो कि बिज़नेस करते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, कार डीलर है, मोटरसाइकिल डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर है, उनका बिजनेस में एक्सेल होता हुआ नज़र आ रहा है, माली फवायद मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस की कोई चेन ओपन करना चाहते हैं, न्यू चेन, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। वो लोग जो कि जॉब की तलाश में हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, तो इस टाइम पीरियड को उनको चाहिए कि फुल अवेल करें। इंशाल्लाह इस टाइम पीरियड में वो जैसा चाहते हैं उनको ज़रूर जॉब मिलेगी, और जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है उनको इस टाइम पीरियड के दौरान कोई इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है और उनको अच्छे पैकेज पर जॉब मिल सकती है। जी हमारा नेक्स्ट जोडियक साइन जो है कैंसर। कैंसर वालों के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है वो 9th हाउस में हो रहा है। अल्लाह ताला की खास रहमत होगी आप पे, लक आपको फेवर करती हुई नज़र आ रही है। आपकी इंक्लिनेशन होगी न्यू चीज़ें सीखने की तरफ, न्यू कल्चर्स के बारे में जानने की तरफ, इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने की तरफ आपकी इंक्लिनेशन होगी, नई चीज़ें खरीदने की तरफ। माली फवायद आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जो माली हालात है वो बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। कोई चाहने वाला, कोई दोस्त, फैमिली मेंबर आपको गिफ्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा मज़हब की तरफ आपका रुझान होगा, मज़हबी प्लेसेस जैसे कोई मज़ार वगैरह होते हैं, इसी तरह जैसे बादशाह मस्जिद होगी, इनको आप विज़िट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इस दौरान वो स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम्स हैं, जो आपके इंटरव्यू हैं, वो कामयाबी पाते हुए नज़र आ रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स में, इंटरव्यूज़ में, आपका अपने फादर के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, आपके फादर आपको मुख्तलिफ मामलात में सपोर्ट करते हुए, गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पीरियड आपके लिए इज़्ज़त लेकर आ रहा है, शोहरत लेकर आ रहा है, आपके ऑनर में, आपके फेम में इजाफा होगा। इस पीरियड के दौरान आप चैरिटी के काम करते हुए, लोगों के सोशल सर्विसज करते हुए, डोनेशंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी और इन डोनेशन और चैरिटी की जो आप लोगों के लिए करेंगे, अल्लाह ताला आपको खास फवायद देगा, अल्लाह ताला की खास रहमत होगी आप पे। बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप में काम स्टार्ट करना चाहते हैं दूसरे मुल्क में या पाकिस्तान में, उसके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। लक आपको फेवर करेगी। इस पीरियड के दौरान आपका कोई प्राइज बॉन्ड, कोई लॉटरी का टिकट भी लग सकता है। जी हमारा नेक्स्ट जोडियक साइन जो है लियो है। लियो वालों के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है वो आप लोगों के 8th हाउस में हो रहा है। ये जो टाइम पीरियड है आपकी नेचर में कुछ लेजीनेस लेकर आएगा, डलनेस लेकर आएगा, आप में वो काम करने का जज्बा नहीं होगा, तो आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए होगी अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने प्लान्स को कंप्लीट करने के लिए। आप देखेंगे कि आपके प्लान्स, आपके टास्क में बिला वजह की ताखीर आएगी, तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आपने फुल प्लानिंग के साथ इस टाइम पीरियड में काम करना है। कार ड्राइव करते वक्त, मोटरसाइकिल चलाते वक्त आपने बिल्कुल एहतियात से करना है, वरना कोई आपको एक्सीडेंट हो सकता है या कोई इंजरी वगैरह हो सकती है। सदका जरूर देना इस पीरियड के दौरान। सदका किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी ज़रूरतमंद को दे दे, मदरसे में दे दे, किसी भूखे को खाना खिला दें। कुछ आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग के, हेडेक के, मतलब सर दर्द, मिग्रेन के, आधे सर दर्द के, टेम्परेचर वगैरह हो सकता है, या कुछ एलर्जी के, एलर्जी हो सकती है, स्किन एलर्जी वगैरह, तो उसमें आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात करते वक्त बिल्कुल पोलाइटली बात करें। आपका रूड बिहेवियर आपकी उनके साथ लड़ाई झगड़े करवा सकता है, जिसकी वजह से फैमिली का माहौल ख़राब हो सकता है। आपके अपने फादर के साथ कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई किसी बात पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आपके अपने वालिद के साथ तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, तो आपको चाहिए कि सब्र तहम्मुल से काम रहें। अब वो लोग जो कि जॉब्स करते हैं, उनको चाहिए किसी ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने, वरना उनके लिए मुश्किलात हो सकती है, उनकी नौकरी भी जा सकती है।
इस वक्त तक वो लोग जो कि अपनी जॉब तब्दील करना चाहते हैं बिल्कुल ना तब्दील करें, अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस टाइम पीरियड में बिल्कुल ना करें। आप लोगों के लिए ये इन्वेस्टमेंट के लिए और नए प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। हमारा नेक्स्ट जोडियक साइन जो है विर्गो है। विर्गो वालों के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है वो सेवंथ हाउस में हो रहा है। आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं। आपको चाहिए कि कोई आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन को इजाज़त ना दें कि वो आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करें, वरना आपका जो टेम्परेरी तौर पर सेपरेशन भी हो सकती है अपने पार्टनर के साथ। इसी तरह वो लोग जो कि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनका भी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि जो टाइम पीरियड इसमें सब्र व तहम्मुल से काम लें, अपने पार्टनर की बात सुने और उसको बात समझाने की कोशिश करें। वो लोग जो कि सिंगल्स हैं, जो कि किसी की तलाश में हैं या शादी की तलाश में, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आता हुआ नज़र आ रहा है जो आपसे मोहब्बत करे और उसके उसी से आपकी फिर शादी भी हो जाए। अगर आप किसी के घर रिश्ता भेजना चाहते हैं, अपने घर वालों को शादी के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। वो लोग जो कि ट्रैवलिंग करना चाहते हैं बिज़नेस के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, उनको चाहिए कि इस टाइम पीरियड में ट्रैवलिंग ना करें, वरना फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं होंगे और अखराजात भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो कि बिज़नेस कर रहे हैं मगर पार्टनरशिप में नहीं, इंडिपेंडेंट बिज़नेस कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, एक्सपेंशन होती हुई इनके बिज़नेस में नज़र आ रही है, उनको माली फवायद भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, अगर आप कोई न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई न्यू ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम पीरियड अच्छा है। मगर जिनकी ऑलरेडी पार्टनरशिप्स चल रही हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ रूडली बिहेव ना करें, क्योंकि आपके बिहेवियर की वजह से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है जिसकी वजह से आपके कारोबार पर असर पड़ सकता है। लोगों की आपको सपोर्ट होगी, लोग आपको हो सकता है कोई फ्री ट्रिप के लिए, फ्री ट्रैवलिंग के लिए स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। हमारा जी नेक्स्ट जोडियक साइन जो है लिब्रा है। लिब्रा वालों के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है वो सिक्स्थ हाउस में हो रहा है। वो लोग जो कि जॉब की तलाश में हैं उनको जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली वो लोग जिनके इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, कंसल्टेंसी की जॉब करना चाहते हैं, उनको इंशाल्लाह उनकी जैसे वो चाहते हैं वैसी जॉब मिलेगी। जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं उनकी प्रमोशन मिलती हुई नज़र आ रही है, सैलरी में इजाफा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उनके कुलीग उनको सपोर्ट करेंगे, उनको अपने बॉसिस की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है। वो लोग जिनके अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं, जेल में कैद हैं, उनको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके अपने मामू चचा खाला वगैरह के साथ अच्छा टाइम पीरियड भी स्पेंड होगा। इसके अलावा इस पीरियड में अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू, उसमें आप कामयाबी पाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको जो ब्लड प्रेशर, शुगर, इसके अलावा जो ज़हनी टेंशन या डिप्रेशन के कुछ हेल्थ इश्यूज़ है या आपको लग रहा था कि आप किसी ने जादू किया हुआ, तो इन तमाम मामलों में आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई इंजरी हुई हुई है, कोई ज़ख़म हुआ हुआ है, वो ज़ख़म भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपसे किसी ने कर्जा लिया हुआ है या कहीं पर आपकी रकम फंसी हुई है वो नहीं मिल रही, इस पीरियड के दौरान आप अगर थोड़ी सी एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको आपकी रकम वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। वो लोग जो कि दूसरे ममालिक की नेशनैलिटी, रेजिडेंस परमिट या वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको भी बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली जो कंट्री साउथ में है उनकी नेशनैलिटी या रेजिडेंस परमिट उनको इजीली मिल सकता है इस टाइम पीरियड के दौरान। जी हमारा नेक्स्ट जोडियक साइन जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है मार्स का वो फिफ्थ हाउस में हो रहा है। रिलेशनशिप के लिए आज से बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आप लोगों के जिनके ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ खुफिया रिलेशनशिप है उनका बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। आप उनके साथ डेटिंग पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। राज योग बन रहा है आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला की खास रहमत होगी, लक आपको फेवर करेंगे, माली मामला आपके बड़े ज़बरदस्त रहेंगे, माली फवायद मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक से ज़्यादा रिसोर्सेज से आपकी अर्निंग होती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ वाइज आप तकरीबन ठीक रहेंगे, लेकिन बीच में कुछ ऐसे दिन आएंगे जिसमें फूड पॉइजनिंग आपको हो सकती है, इसलिए स्पाइसी फूड खाते हो खाने से गुरेज करेंगे। इन दावत पे जाएं तो अपनी भूख रखकर खाना खाएं, वरना आपको फूड पॉइजनिंग के इश्यूज हो सकते हैं। बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली वो जो दूसरे ममालिक में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, रिसर्चिस पे काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है।
अगर आप दूसरे ममालिक में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं या फॉरनर्स के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आप लोगों के फलाह बहबूद के काम करेंगे इस टाइम पीरियड में। इन रिटर्न लोग भी आपको फेवर करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो लोग जो कि गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, उनको माली फवायद मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पास प्राइज बॉन्ड या लॉटरी का टिकट है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका लकी ड्रॉ निकल रहा है। तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आपको ओनर मिलती हुई नज़र आ रही है, शोहरत मिलती हुई नज़र आ रही है, लोगों में आपका नाम होगा। जी हमारा नेक्स्ट ज़ोडियक साइन सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों के लिए जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है वो फोर्थ हाउस में हो रहा है। इस टेन्योर के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे अपने गोल्स अचीव करने के लिए, टास्क अचीव करने के लिए। बड़े एनर्जेटिक फील करेंगे, डायनेमिक होंगे, फुल पैशन के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने टास्क कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जो नेगेटिव थिंग हो सकती है वो ये है कि आपने रिलेशनशिप में बिल्कुल पोसेसिव नहीं होना, ना अपने पार्टनर पे डाउट करना है, वरना आपके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। घर वालों की ज़रूरियात के लिए, उनकी लग्जरी के लिए, उनकी कंफर्ट के लिए आप अखराजात करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जिनको चेस्ट से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हैं उनमें उनको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस टाइम पीरियड के दौरान आप कोई गाड़ी सेल परचेज़ कर सकते हैं, कोई लैंड सेल परचेज़ कर सकते हैं, घर की रेनोवेशन कराते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके बच्चों के कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको अपने बच्चों की सेहत का प्रॉपर ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपके अपने वालदा वालिद के साथ बड़ा अच्छा टाइम पीरियड होगा। आपके पेरेंट्स आपको मुख्तलिफ मामलात में गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो कि बिजनेस मैन हैं, उनको चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट करें, बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है। अगर वो कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। वो लोग जो कोई नई इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं, अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड इन मामलात के लिए भी बहुत अच्छा है। इस टाइम पीरियड में आपको प्राइड भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ओनर फेम मिलती हुई नज़र आ रही है, लोग आपके फैसलों की वजह से आपकी इज्जत करेंगे। जी हमारा नेक्स्ट ज़ोडियक साइन जो है कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन वालों के लिए जो मार्स का ट्रांजिट है वो आप लोगों के थर्ड हाउस में हो रहा है। आपके अपने बहन भाइयों के साथ, स्पेशली छोटे बहन भाइयों के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कुछ मामलात को लेकर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके घर का माहौल डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए अपने बहन भाइयों के साथ, रूडली बिहेव नहीं करना इस टाइम पीरियड के दौरान। हेल्थ इश्यूज़ आपके बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। आपको अगर कोई ज़हनी टेंशन डिप्रेशन थी या कोई आपकी नींद डिस्टर्ब थी, वो तमाम मामला ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इज्जत में, आपकी शोहरत में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। लोग आपकी इज्जत करेंगे आपके काम की वजह से, आपके डिसीजंस की तरफ वजह से। इस पीरियड के दौरान आपकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। आप लोग आपकी बातों से कन्विंस होंगे। वो लोग जो कि लिख कर बोल कर पैसा कमाते हैं, सिंगर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, उन सबको माली फवायद मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, फ्री लांसर्स हैं, उनको भी माली फवायद मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है। अगर इस टाइम पीरियड में आप ट्रेड करेंगे, आपको बहुत से माली फवायद मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो कि जॉब्स करते हैं, उनके लिए भी प्रोफेशनली बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। उनको अपने बॉसेस की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है। वो अपने काम कंप्लीट करते हुए टाइमली नज़र आ रहे हैं और उनको कोई बोनस मिल सकता है, कोई उनकी प्रमोशन हो सकती है किसी कमांडिंग पोजीशन में। इसके अलावा वो लोग जो कि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनको भी माली फवायद मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं, आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी हमारा नेक्स्ट ज़ोडियक साइन जो है एक्वेरियस है। एक्वेरियस वालों के लिए जो मार्स का ट्रांजिट हो रहा है वो आप लोगों के सेकंड हाउस में हो रहा है। इस टाइम पीरियड के दौरान आपका जो माली मामला है वो बहुत ज़बरदस्त रहने वाले हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आप सेविंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने फजूल के खराजात को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो कि जॉब्स करते हैं, उनको चाहिए कि बिल्कुल ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने। इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत एहतियात से काम लें, क्योंकि उनके कोलीग्स उनके लिए हर्डल्स क्रिएट करेंगे, उनकी एक पैटिंग करेंगे, जिनकी वजह से उनकी जॉब भी जा सकती है। तो इस टाइम पीरियड में आपको बिल्कुल मोहतात होकर काम करना है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिहाज से, कोई नया बिजनेस चेन ओपन करने के लिहाज से ये अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। इस टाइम पीरियड में आपकी कम्युनिकेशन पावर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। लोग आपकी बातों से कन्विंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी बात सुनेंगे भी। अब वो लोग जो कि बोलकर पैसा कमाते हैं, उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको मुँह से रिलेटेड कोई
बीमारियाँ जैसे मुँह में छाले थे, दांतों का दर्द है, उनमें रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा टाइम पीरियड गुजरेगा, वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपके ससुराल वालों के साथ आपका अच्छा टाइम पीरियड गुजरेगा। वो लोग जिनके अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ खुफिया रिलेशनशिप है, वो डेटिंग पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका रिलेशनशिप मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है, एक दूसरे को महंगे गिफ्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए इस ट्रांजिट की प्रिडिक्शन। जी हमारा लास्ट जोडियक साइन जो है पाइसिस है। पाइसिस आप लोगों के एसेंडेंट में ट्रांजिट हो रहा है। मार्स का आप लोगों के लिए राजयोग बनने जा रहा है। आप लोगों के माली मामला बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। बड़ा अच्छा टाइम बिजी पीरियड है कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जिनके ऑलरेडी बिजनेस चल रहे हैं, पार्टनरशिप्स चल रही हैं, उनमें एक्सेल करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका बिजनेस और ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए एक नई शुरुआत है। आपने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। ये टाइम पीरियड आपके लिए खुशहाली ला रहा है, आपके लिए समाजी और माशी तरक्की ला रहा है, आपके लिए बहुत सी खुशियां लेकर आ रहा है। आपकी अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपकी वालदा के हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनमें आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके माशी हालात बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके वालिद के माशी हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो कि जॉब्स करते हैं, सर्विसेज करते हैं, कंसल्टेंसीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। उनको अपने वर्क प्लेसेस में तरक्की मिलेगी, अपने काम में प्रमोशन मिलती हुई नज़र आ रही है। वो लोग जो कि नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि ज़रूर करें इस टाइम पीरियड में। वो लोग जो कि जिनका रिलेशनशिप ख़राब चल रहा था अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उनका रिलेशनशिप और मजबूत होगा, बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो कि शादी करना चाहते हैं, किसी के घर प्रपोजल भेजना चाहते हैं शादी के लिए, उनको चाहिए कि इस टाइम पीरियड में भेजें, क्योंकि आप लोगों के लिए राजयोग बन रहा है। और जब भी राजयोग बनता है तो वह इंसान के लिए माली फवायद लेकर आता है, इज्जत शोहरत और बहुत सी खुशियां लेकर आता है।